एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मॉम्स हेल्दी रूटीन। देखने में ये गोल गोल रसगुल्ले लग रहे हैं, मगर ये चाशनी में डूबे हुए गुड़ की चाशनी में डूबे हुए आंवला का मुरब्बा। फ्रेंड्स, ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और बहुत ही आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं और अपने विटामिन सी की जो ज़रूरत है उसको पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 250 ग्राम आंवले। फ्रेंड्स, मुझे जो अवेलेबल था इस समय, जैसे भी मिले वो मैंने ये ले लिए हैं। बहुत अच्छी नहीं लग रहे हैं, बट ये पके हुए हैं, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है। देखिए आप, थोड़े येलोइश भी हैं। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैंने ये लिया है जैगरी, यानी कि गुड़, जो कि हमें सिरप बनाने के लिए चाहिए होगा। ये लगभग मैंने एक बोल ही लिया है, तो अमाउंट हम थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसा हमें मीठा चाहिए। तो मुरब्बा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये आंवले को वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद ये जो आप वाइट लाइनिंग देख रहे हैं, फाइन सी, इसी तरीके की लाइनिंग्स पर हम कट मारेंगे। तो 3 या 4 कट हम इसमें लगा देंगे इस तरीके से। इसी तरीके से हम सभी आंवलों के कट्स बना लेंगे, जिससे कि इनमें जो हम जैगरी सिरप बनाएंगे चाशनी में, जब इनको डालेंगे तो बहुत अच्छे से ये जूसी और सॉफ्ट हो जाएंगे। एक तो ये तरीका है, आप स्टार्टिंग में इसे कट ऐसे लगा सकते हैं, और एक दूसरा तरीका है जब आप कट लगा सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें मैंने ये स्टीमर ले लिया है, जिसमें पानी बॉयल हो चुका है और अब मैंने जाली रख दी है और मैं इनको स्टीम कुक कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे बॉयल भी कर सकते हैं, बट प्रेफर करें कि आप स्टीम कुक करें, क्योंकि ये अच्छा तरीका होता है, बहुत जल्दी कुक भी होते हैं और इसके न्यूट्रिएंट्स भी लॉस्ट नहीं होते हैं। तो ये मैंने इसे ढक कर रख दिया है और लगभग 8 मिनट लगेंगे मिनिमम, और ये हमारे पक्के हो गए हैं तैयार। ये देखिए, येलोइश हो गए हैं, कलर से ही पता चल जाता है कि ये पक चुके हैं अंदर तक, बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं। आप चाहे तो इसे इस तरीके से चेक कर सकते हैं और प्रेस भी कर सकते हैं। ये मैंने कुछ टुकड़े डाल दिए थे, तो देखिए बहुत ईजिली ये प्रेस होकर टूट रहा है। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे और गैस को कर देंगे बंद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे आंवले पक चुके हैं और बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं, तो इस पॉइंट पे भी आप इस तरीके से कट लगा सकते हैं। बस मैंने यही दिखाने के लिए इस ऑप्शन को बताया हुआ है इस वीडियो में। वैसे हमारे आंवले में पहले से कट लगा हुआ है, तो दोबारा कट लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो आप बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप पर, जहाँ पर हम बनाएंगे चाशनी। और चाशनी के लिए मैंने 2 चम्मच लगभग पानी डाल दिया है कढ़ाई में, और अब मैं डालूंगी इसमें गुड़। तो ये गुड़ के पीसेस आप चाहे तो और छोटे कर लें, जिससे कि गुड़ बहुत जल्दी पिघल जाएगा, और ये क्योंकि इसके पीसेस थोड़े से बड़े हैं तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। गुड़ को हिलाते हुए हम चलाते जाएंगे, और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी जो गैस की जो आँच है वो बिल्कुल भी तेज नहीं होनी चाहिए, वो सिम पर ही रहेगी। तो फ्लेम को सिम पर ही रखें और इसे चलाते जाएं, और ये देखिए लगभग हमारा सारा गुड़ पिघल गया है। तो इसे चलाते जाइए, और अब हम जो फ्लेम है उसको थोड़ा बढ़ा देंगे, मीडियम कर देंगे। तो ये देखिए हमारा जो गुड़ की चाशनी है बहुत अच्छे से बॉयल हो रही है। अब इसे पकाने में और गाढ़ा करने में हमें जो थिकनेस चाहिए चाशनी की, उसके लिए इसमें लगेगा थोड़ा टाइम। तो यहाँ पे मुझे 10 मिनट हो चुके हैं चलाते चलाते, और ये मैंने चेक किया है, ये थोड़ा सा चिपचिपी सी अब हो गई है चाशनी, और इसका कलर भी आप देखेंगे तो कलर भी चेंज हो चुका है, थोड़ा डार्क हो गया है। तो अब वक्त आ गया है, हम आंवलाओं को ऐड कर सकते हैं चाशनी में, क्योंकि चाशनी में भी हमें इनको अभी पूरी तरीके से, चाशनी हमारी बनी नहीं है, लेकिन आंवला को भी टाइम चाहिए ताकि ये थोड़ा सा इसमें बॉयल हो, तभी इसके अंदर जो जूस है वो जाएगा और ये पूरी तरीके से चाशनी को अच्छे से अंदर तक रिटेन कर लेंगे। तो अब बस हमें इन्हें हिलाना है, और लगभग इनको 10 से 15 मिनट लगेंगे, इनको मीडियम से लो फ्लेम तक इन्हें पकाना है। मीडियम से लो फ्लेम पर ही रखेंगे,
आंच को बिल्कुल भी तेज नहीं रखेंगे, धीमे धीमे इसमें जितनी चाशनी अंदर तक जाएगी अच्छे से ये कुक होगा, स्लो कुक होगा उतना ही ये परफेक्ट बनेगा। फ्रेंड्स, मुरब्बा बहुत ही हेल्दी चीज़ है क्योंकि इसके थ्रू हम अपने जो भी विटामिन सी की डोज है उसको पूरा कर सकते हैं। तो आंवला को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। यहाँ पे मैंने काली मिर्च ली हुई है, तो काली मिर्च भी मैं आधी चम्मच लगभग डाल दूंगी। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो इसे स्किप ना करें, इसे ज़रूर ऐड करें। फ्रेंड्स, मुरब्बा तो सभी को पसंद होगा, लेकिन बाहर मार्केट में मिलने वाला मुरब्बा अक्सर शक्कर में डूबा होता है और शुगर यानी कि रिफाइंड शुगर में बनी हुई कोई भी चीज़ आपकी हेल्थ के लिए वैसे ही बहुत ही बेकार होती है। तो क्यों बाहर वाला मुरब्बा खाएं जबकि घर में इतनी ईजिली हम बना सकते हैं। हाँ, ये बात और है कि हम इसे नेचुरल तरीके से, जैसे कि पहले धूप में रखकर 8-10 दिन में पकाया जाता था उसको, वो चीज़ हम नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, यहाँ पर हम स्लो कुक करें और बहुत अच्छे से धीरे धीरे से थोड़ा टाइम देकर बनाएंगे तो बहुत कुछ हम टेस्ट उसका ला पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आधी चम्मच लगभग ब्लैक सॉल्ट भी ऐड कर दिया है और ये देखिए लगभग काफ़ी गाढ़ा हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पर 5 मिनट और हो गए हैं और ये देखिए हमारे आंवले भी लग रहे हैं कि काफ़ी पक चुके हैं। उनका कलर और उनकी स्किन से हम पता लगा सकते हैं और ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है, लगभग एक तार की चाशनी वाला। और अब ये पॉइंट है जिस पर हम गैस बंद कर देंगे क्योंकि हमारे आंवला पहले से पके हुए हैं। तो अब मैं इसे बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप मुरब्बा बनाएं तो इसे गुड़ की चाशनी में ज़रूर बनाएं। गुड़ की चाशनी में बनाने से ये और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं और आपकी विटामिन सी की जो ज़रूरत है वो भी पूरी हो जाती है। तो आंवले को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। ये मेरा फेवरेट मेथड है क्योंकि मुझे मुरब्बा बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो लगभग 2 घंटे बाद आप देखेंगे कि और भी ज़्यादा कलरफुल डार्क हो जाएंगे क्योंकि इसमें चाशनी इनके अंदर और भी ज़्यादा फिल हो जाएगी। ये और भी ज़्यादा मीठे जूसी हो जाएंगे, इनका जो खट्टापन है वो और धीरे धीरे कम हो जाएगा। फ्रेंड्स, पहले के जो मुरब्बा बनाए जाते थे तो वो धूप में रखकर उनको 8-10 दिन में पकाया जाता था, क्योंकि हम ये वन टाइम में सिंपल तरीके से कुक करके बना रहे हैं तो थोड़ा इन्हें टाइम लगेगा। तो 1 दिन में ये और भी अच्छे होंगे और 2 दिन में बहुत ही ज़्यादा अपने परफेक्ट टेक्सचर में आ जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आप कब बनाने वाले हैं ये गुड़ की चाशनी में डूबा हुआ आंवले का मुरब्बा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपना टेस्ट और अपना एक्सपीरियंस मुझे ज़रूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं कि आपको ये मुरब्बा टेस्ट में कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर ऐसी हेल्दी रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए स्टे फिट एंड हेल्दी ब्यूटीफुल मॉम्स। बाय बाय।